फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो यार, दिस इज़ फैजी कोकर और आज हम बात करेंगे शफकत चीमा के बारे में, जो कि उनके सन के रिलेटेड जो है वो एक टोटली फेक न्यूज़ जो है फैलाई जा रही है कि उनके जो है वो सन की डेथ हो चुकी है। फ्रेंड, इसके रिलेटेड जो है मैं आपको 100% जो है प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये न्यूज़ जो है वो फेक है। तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो है वो फेसबुक के ऊपर जो है वो शफकत चीमा के जो सन के रिलेटेड जो है वो खबर फैलाई जा रही है कि उनके बेटे की जो है वो मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो फ्रेंड, ये खबर जो है वो टोटली फेक है। मैं आपको ये चीज़ जो है वो 100% प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखें और खुद अंदाजा लगाएं। जी ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफकत चीमा, मैं तो हूं आपका खान। मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी का दिल नहीं दुखा। मैं बाहर से आया तो मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा हथम खड़ा था। मैंने उन लोगों से पूछा, कह तो है मगर आपने न्यूज़ नहीं देखी? मैंने कही नहीं, ये देखो क्या न्यूज़ आई है आपके बारे में। और सभी के रंग जो थे वो फुक थे, तो उन्होंने मुझे वो दिखाया, तो उसमें लिखा हुआ था कि अदाकार शफकत चीमा का बेटा कार के हादसे में हलाक हो गया। तो आप ये बताएं कि एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन किया, आगे तो उसने भी फ़ोन उठाया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने फ़ौरन एक बार फिर फ़ोन लगाया, उसने मेरा फ़ोन उठाया, जब उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। यार, जिसने भी ये न्यूज़ दी है, ज़रा सोचो, तेरा कोई बेटा नहीं ना? यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही तो चिराग है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। एक ही तो शफकत चीमा का बेटा है ना, आपकी मेहरबानी, नहीं तो बस। तो फ्रेंड, वीडियो आपने देखी, इससे वाज़े हो जाता है कि ये न्यूज़ जो है वो 110% जो है वो फेक है। जिस तरह से उनको दुख पहुंचाया गया, ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। फ्रेंड, आप अपनी ही मिसाल ले लें, अगर आपके अबू को कोई यानी कि फेक कॉल ही करता है कि जो आपके बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम उनके ऊपर जो है वो क्या लम्हात होंगे आप बेहतर जान सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये खबर फैलाई है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। जो फ्रेंड मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसके लास्ट मोमेंट में आपने देखा होगा कि वो आप दीदा भी हो गए थे, तो यार ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। वो पाकिस्तान के एक मायानास एक्टर हैं, तो ख़ास तौर पर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जिस तरीके से खबर फैलती है, ये एक जो है वो तशवीश की लहर है कि अगर फेक न्यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेंड कर जाती है, अगर जो है वो सच न्यूज़ है वो तो जानी ही जानी होती है। तो जो गलत खबरें फैलाते हैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस तरह यार आप ना किया करें। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।